नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। संदेश खाली में जांच के दौरान ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में सीबीआई पहुंची एसडीपीओ के घर। सूत्रों का कहना है कि ईडी की टीम पर हुए हमले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिए जाने के बाद सीबीआई ने मीना खां के एसडीपीओ अनिमुल इस्लाम खान से सीसीटीवी फुटेज मांगा था। नहीं मिलने पर सीबीआई स्वयं पहुंची एसडीपीओ के घर। एक घंटे से ज्यादा चली जांच अभियान। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री अरूप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास के घर दूसरे दिन भी जारी रही इनकम टैक्स की छापेमारी। कोलकाता के न्यू अलीपुर स्थित मंत्री के भाई के आवास पर चल रहे छापेमारी को लेकर विपक्ष पर हमलावर हुई तृणमूल कांग्रेस। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि स्वरूप विश्वास के घर पर छापेमारी में क्या क्या बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल के दीनहाटा में केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक एवं राज्य सरकार के मंत्री उदयन गुहा के साथ हुई झड़प के बाद दीनहाटा पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस झड़प में एसडीपीओ पर हुए हमले के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के सिर्फ 4 दिनों के भीतर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 4 जिलों के डीएम को हटाने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि चुनाव आयोग ने पूर्व मेदिनीपुर, पूर्व बर्धमान, झाड़ग्राम और बीरभूम जिले के डीएम को हटाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के 42 लोकसभा केंद्रों में से कांग्रेस ने 7 लोकसभा केंद्रों में प्रत्याशी दिए जाने की घोषणा की है। दरअसल इंडिया गठबंधन की प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस और सीपीएम राज्य में गठबंधन कर रही है और सीपीएम ने पहले ही 17 सीटों की घोषणा कर दी थी। इस तरह से राज्य में गठबंधन 24 सीटों पर लड़ाई करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। राज्य से जुड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय श्री श्याम एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड चक्की फ्रेश आटा। आटा माने ही श्याम एग्रो आटा। विजुअल एड हो या डिजिटल एड, पब्लिक टाइम्स आपके लिए लेकर आया है पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। यहाँ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की गाइडलाइन में बनाए जाते हैं विजुअल और डिजिटल एड बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। सो कॉन्टैक्ट पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। कॉन्टैक्ट नंबर 9332185842। आप हमसे ईमेल आईडी के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है publictimes2011@gmail.com। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।